आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम पीरियड ऑफ सप्लाई। अब हम ये देखें मैक्सिमम यूसेज कितना है आपका, ए पे लिए है 225 और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सप्लाई है आपका 6, तो आपके आ गया 1350 यूनिट। इसी प्रकार बी के लिए 225 आपका मैक्सिमम यूसेज है और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सप्लाई है 4, तो आपके आ गई 900 यूनिट। नेक्स्ट हम देखें मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड ऑफ सप्लाई। क्या होगा, ए के लिए रीऑर्डर लेवल आपका अभी हमने निकाला 1350 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दिया है 1200 यूनिट माइनस मिनिमम यूसेज आपका है 75 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम पीरियड ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2550 माइनस 322 यूनिट। बी के लिए हम देखें कि जो आपका रीऑर्डर लेवल है और रीऑर्डर क्वांटिटी है 900 प्लस 1800 माइनस मिनिमम यूसेज आपका 75 मिनिमम पीरियड ऑफ सप्लाई आपका 2 इज इक्वल टू 2700 माइनस 150 इज इक्वल टू 2550 आपका यूनिट्स आ गया। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड ऑफ सप्लाई। ए बराबर रीऑर्डर लेवल 1350 जो हमने सबसे पहले निकाला था, नॉर्मल यूसेज 150 और एवरेज पीरियड ऑफ सप्लाई आपकी है 5, तो क्या आ गया 1350 माइनस 750 बराबर 600 यूनिट। इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल आपका 900 यूनिट है माइनस नॉर्मल यूसेज आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो आपका एवरेज पीरियड ऑफ सप्लाई है बराबर 900 माइनस 450, तो आपका आ गया 450 यूनिट। इसी तरह से एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल के लिए 1/2 या 1/2 ब्रैकेट में आपका 600 जो कि आपको पहले से ऊपर दिया हुआ है प्लस 2250 इज इक्वल टू 2850 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1425 यूनिट। इसी तरह बी के लिए निकलेगा 1/2 450 प्लस 2550 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1500 यूनिट। ये आपका आ गया एवरेज स्टॉक लेवल।